पिछले वीक मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर भाई टेंशन मिस्टिक नाम का एक चाइनीज सुपर नेचुरल ड्रामा रिलीज किया गया था, जिसको फाइनली अब जाके मैंने देख के खत्म कर दिया। काफी लंबा टाइम देना पड़ा भाई इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि इस सीजन को देखने के लिए भाई आपको टोटल 24 एपिसोड्स देखने हैं। एंड एक चीज बता देता हूँ कि इन 24 एपिसोड में इसकी सीजन की कहानी खत्म नहीं हुई, इसका सीजन 2 भी आपको देखना पड़ेगा। यस सही सुना, इसका सीजन 2 भी है। अब वो हिंदी में आएगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, बट अभी सीजन 1 जो है आपको हिंदी डब में मिल जाएगा मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर। चाहो तो फैमिली के साथ प्रेफर कर सकते हो, एक दो जगह आपको अनकंफर्टेबल टाइप के सीन देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ठीक ही ठाक है, आजकल उतना चलता है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है, अगर आप इस ड्रामा को देखना चाह रहे हो, अपना माइंडसेट थोड़ा हिस्टोरिकल ड्रामा वाला सेट करके जाना, मींस बहुत ज्यादा VFX या जो CGI वगैरह देखने को मिलेंगे उनसे बहुत ज्यादा डिमांड मत करना, सब कुछ आपको ओके टाइप का देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया दूं, तो इसकी जो कहानी भाई इर्द गिर्द घूमती एक गांव कह सकते हो, टाउन कह सकते हो, वहां के कुछ लोगों पर। अपना हीरो है गोदेव, जो कि कह सकते हो एक काइंड ऑफ डिटेक्टिव है। कुछ भी उस टाउन या गांव जो भी रहता है उसमें अगर कुछ कांड होता है भाई वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है। एंड एक दिन भाई एक टेंशन मिस्टेक टाइप का फंक्शन चल रहा होता है, एंड उसी में चेयरमैन जो रहते हैं उनकी भाई बॉडी मिलती है वाटर से, मतलब तालाब से या जो भी चीज रहता है वहां से, स्पॉइल नहीं करूंगा डोंट भाई, वहां से उनकी लाश मिलती है। अब उस लाश को लेकर के जो आपको कांड देखने को मिलेंगे, जो मर्डर मिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, एंड जो अदर कुछ और लाशेस निकलती हैं वो उससे कैसे लिंक रहती है, ये सब अपना जो हीरो है एंड जो उसके कुछ फ्रेंड्स है कैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी पड़ेगी, इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सिंपली अगर मुझे इस सीरीज पर कमेंट करना होगा तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई जो ये सीरीज है स्पेशली प्रो ऑडियंस के लिए नहीं है। अगर आपने दुनिया जमाने के मर्डर मिस्ट्री के मूवीज वेब सीरीज देख रखी है जहां पर आपने टॉप लेवल की मर्डर मिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपने ट्रू डिटेक्टिव देखा है तो आपको इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये सिनेमा उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ज्यादा इन्वेस्टिगेशन या फिर सुपर नेचुरल जो हॉरर काइंड ऑफ सीरीज या मूवीज होती हैं मीडियोकर टाइप की, अगर आपने नहीं देखा है बहुत सारी, तो हाँ एक बार आप इस पर टाइम दे सकते हो, क्योंकि इसकी जो मिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको सीरीज के साथ बांध के रखेगी, एंड डेफिनेटली आप जानने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली में जो चीजें चल रही होती हैं उसके पीछे का सस्पेंस क्या है। बाकी कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट है एंड जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह है मुझे काफी डिसेंट लगी। कुछ कुछ कैरेक्टर काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, तो उसके साथ भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, भाई सी ड्रामा है तो करना पड़ेगा। हिंदी डबिंग भी इस सी ड्रामा की उतनी ज्यादा ग्रेट फील नहीं हुई, कुछ कुछ डायलॉग्स है भाई एकदम चिल्ला रहे थे, लग रहा था मतलब कान फाड़ देंगे एकदम से। ओवरऑल मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप मर्डर मिस्ट्री टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इस सीरीज पर टाइम दे सकते हो, लेकिन आपको अपने माइंड में ये भी चीज का ध्यान रखना है कि सीजन में इसकी कहानी खत्म नहीं है, एंड सीजन 2 अगर हिंदी में आता है तभी आप इस सीरीज को देखने जाना। अगर सीजन 2 हिंदी में आएगा नहीं तो फिर आधा आपको अधूरा माल मिला है, इतना समझ रहा हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वेट कर लो, अगर सीजन 2 हिंदी में आता है तो देखना, अदरवाइज अभी के लिए स्किप कर सकते हो। बाकी अगर मेरी टीम की बात करें तो भाई मुझे इस सीरीज काफी ज्यादा ओके टाइप की फील हुई है, इसलिए मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करके रेट करूंगा 6.5/10 स्टार। अगर आपने देखा है तो आपको पसंद आई या फिर नहीं कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।